पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नीट एग्जाम को रद्द करने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने प्रधानमंत्री से मेडिकल एंट्रेंस के लिए पुरानी व्यवस्था बहाल करने की मांग की है। दरअसल 2017 में एनटीए के पहले मेडिकल एंट्रेंस के लिए स्टेट लेवल पर एंट्रेंस एग्जाम कराया जाता था। एग्जाम के लिए राज्य सरकारें 50 लाख के करीब खर्च करती थी। वहीं ममता बनर्जी ने लिखा है कि नीट एग्जाम में पेपर लीक और पेपर के बदले पैसे लेने की बात सामने आई है। वहीं कुछ स्टूडेंट्स को बगैर किसी आधार के ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं और ये एक गंभीर मुद्दा है, इस पर ध्यान देना जरूरी है। ये लाखों मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ खिलवाड़ है। अब मेडिकल एग्जाम को भी डिजिटलाइज कर दिया गया है। वहीं अब एडमिशन को लेकर पूरा कंट्रोल केंद्र के पास है। ये स्वीकार नहीं किया जाएगा।